समय शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होगी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में कहा था कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष ले। इन 16 विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। जिस तरह मतलब सुनील प्रभु जी ने एज ए व्हिप जो 16 एमएलए को एकनाथ शिंदे जी के साथ सस्पेंड करने का निर्णय लिया था उद्धव ठाकरे जी के आदेश पर, तो माननीय स्पीकर जी ने बताया है कि भाई उद्धव ठाकरे जी को अकेले को कोई अधिकार ऐसा नहीं है, पक्ष प्रमुख के नाते किसी को सस्पेंड करने का पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है। और अभी मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी के बाजू से निर्णय दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। वही निर्णय होने की हमें अपेक्षा थी और वैसा निर्णय हो चुका है। अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेगी और असली शिवसेना जो है असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, यही मतलब उन्होंने माना है। जिस तरह भरत गोगावले जी को व्हिप के रूप में उनका नाम अनाउंस किया था एकनाथ शिंदे जी ने, तो उसको ही सही व्हिप माननीय स्पीकर जी ने माना है और जो सुनील प्रभु जी जो उनके व्हिप थे उसको ही लीगल माना है। तो ये फैसला जो आया है ये बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला संविधान के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और इसीलिए मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। ये जो फैसला आया है उससे और भी हमको फायदा होगा। जो हमने 45 सीटें चुनकर लाने का ऐलान हमारा है, हमारी कोशिश है 40+ सीटें जितने की भूमिका हमारी है ही है, उसके मुताबिक ये फैसले का भी आने वाले अप्रैल मई में जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूरे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के। आगे विधानसभा स्पीकर नार्वेकर ने ये भी कहा कि अगर शिंदे को हटाना था तो ये फैसला कार्यकारिणी का होना चाहिए था, ना कि अकेले अध्यक्ष का। ये भी कहा कि उद्धव गुट ने अयोग्यता के लिए जो दलीलें दी उनमें कोई दम नहीं था और उन्हें पार्टी के भीतर बहुमत के साथ जाना चाहिए था।